हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा सुनेंगे एक चोर और उसकी भूख की। यह कथा बहुत मार्मिक है, भक्तों जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत ही भले और लोगों की मदद करने वाले थे। जो भी व्यक्ति अपना दुख लेकर जाता, वह उसकी समस्या का हल जरूर करते। उसी गांव में एक चोर रहता था, जो कि चोरी कर अपना जीवन यापन करता था। उस चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, उसके खाने के लाले पड़ गए। भक्तों, मरता क्या ना करता, मध्य रात्रि गांव के बाहर बनी एक कुटिया में वह घुस गया। वह कुटिया उसी संत की थी। वह जानता था कि साधु बड़े ही त्यागी हैं, अपने पास कुछ संचय करते तो नहीं, फिर भी खाने पीने को कुछ तो मिल ही जाएगा, आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोची जाएगी। चोर कुटिया में घुसा ही था कि संयोगवश साधु बाहर लघु शंका के लिए बाहर निकले, तो चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, तो साधु ने उसे कई बार देखा था, इसलिए उसे पहचान गए। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे यह कष्ट किया, कुछ काम है क्या। चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूं। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो, मैंने शाम को धूनी में कुछ आलू डाल रखे हैं, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए होते तो जो था हम दोनों मिल बांट कर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है, तथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए आलू रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बैठा कर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे मानो कोई माँ भूखे बच्चे को, जैसे मानो कोई माँ अपने भूखे बिलखते बच्चे को खाना खिलाती हो। उसके व्यवहार से चोर निहाल हो गया, चोर के नेत्र भर आए। वह सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये बाबा हैं, मैं चोरी करने आया और ये प्यार से खिला रहे हैं, ये भी मनुष्य हैं और मैं भी हूँ। यह भी सच है कि आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा और कोई कंकर, मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में दोनों आते होती हैं, भली और बुरी, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्ति लहलहा उठती है। चोर के मन से सारे कुशंकाएं हवा हो गईं, उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा की दृष्टि का लाभ मिला। तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। भक्तों, फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नजर में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि मैं कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। चोर मन ही मन पछताता और उस संत से अपने मन की व्याकुलता बताने की चेष्टा करता। कभी सोचता कि संत को बता दूं, तो कभी सोचता कैसे बताऊं। उसका मन इसी द्वंद में उलझा पड़ा था, लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा, दयालु महापुरुष हैं,
ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं कहीं डालकर सो जाओ, सुबह चले जाना। भक्तों, साधु की दयालुता देख चोर बहुत पछताने लगा। भक्तों, नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था, वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ ना सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं, शरण में आने से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। उन्हीं की शरण में जा, उनकी ध्यान कर, उनसे क्षमा याचना कर, वे सबको क्षमा कर देते हैं। मेरे प्रभु बहुत दीन दयाल हैं, जो भी सच्चे दिल से उनकी शरण में जाता है वे उसके सारे अपराध क्षमा कर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की है, आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भक्तों, साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। भक्तों, संतों की सीख है, सबसे आत्मत्व व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखें। प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो, जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाओ, कभी भी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार मत करो, लोगों की सहायता करो। आइए भक्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था, बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने खुश होकर चलते समय ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक पारस पत्री देता हूँ, 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा, इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लो। ब्राह्मण ने पत्री ले ली, साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा, उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला, वह उसे को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के कुछ जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह लौट आया 2-3 दिन बाद, फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा तो पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, एक आध दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन निकलते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्री मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया, आप कृपा करके इस पत्री को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ, उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तेरी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं करना जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था, साधु पत्री लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन था, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। भक्तों, आलसी आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।